हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। सर्कुलेशन चैप्टर से एक सवाल पूछा गया था कि डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, और जिसे मैं उस वक्त नहीं बता पाया, इसलिए आज मैं बता पा रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ डबल सर्कुलेशन। देखिए, इंसान का दिल में चार खाने होते हैं, ऊपर में ऑरिकल्स और उसके नीचे में वेंट्रिकल्स। ठीक है, एक होता है राइट ऑरिकल और उसके नीचे राइट वेंट्रिकल होता है, और एक होता है लेफ्ट ऑरिकल और एक होता है उसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए, सबसे पहले आपका राइट वेंट्री, ये राइट ऑरिकल में क्या होता है, राइट ऑरिकल में सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा से इम्प्योर ब्लड, यानी मैंने डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है राइट ऑरिकल में आता है। ठीक है, फिर उस राइट ऑरिकल से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब राइट ऑरिकल सिकुड़ता है तो राइट ऑरिकल के सिकुड़ने से इम्प्योर ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला आता है। फिर राइट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो वो इम्प्योर ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के जरिया जो है दोनों लंग्स में पहुंच जाता है, और वहां पर उस ब्लड की सफाई हो जाती है। अब उसके बाद उसी माने लंग्स से जो है प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के जरिया जो है हमारे लेफ्ट ऑरिकल में इंटर करता है, और फिर जब लेफ्ट ऑरिकल जब सिकुड़ता है तो वो प्योर ब्लड जो है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो वो ब्लड जो है एओर्टा के जरिए जो है पूरे जिस्म में फैल जाता है। यानी कि एक बार इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में आया और वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के जरिया हार्ट से बाहर निकल कर फेफड़ों में चला गया, ये एक दौरान हो गया, खून का एक सर्कुलेशन हो गया। दूसरी बार क्या हो रहा है कि फेफड़ों से प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में इंटर कर रहा है, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी एओर्टा के जरिया जो है पूरे जिस्म में फैल जाता है। तो इस बार क्या हुआ कि लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है एओर्टा के जरिए फिर हार्ट से बाहर निकल गया, तो ये एक दौरान हो गया, ये एक सर्कुलेशन हो गया। इस तरह से दो सर्कुलेशन होते हैं, इसी को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब इस तस्वीर में जैसे एक बार देख लीजिए, देखिए ये है इंसान, माने ये हम हैं, और ये जो है आपका वेन है, ये जो कैपिलरीज देख रहे हैं, ये यहाँ जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज जो है आपस में जो है कन्वर्ज होकर ये एक वेन बनाती है। ठीक है, जिसे हम वीना कावा कहते हैं। अब इसी में जो है सुपीरियर वीना कावा भी है और इन्फीरियर वीना कावा भी है। अब ये सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा, देखिए ये राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड लेकर पहुंच गया। अब ये इसके ऑरिकल के सिकुड़ने के बाद ये इम्प्योर ब्लड माने राइट वेंट्रिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल के सिकुड़ने के बाद ये ब्लड, देखिए फिर इस तरह से होते हुए जो रास्ता तीर का दिखाया गया पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जो है वो यहाँ लंग्स में पहुँच गया। अब लंग्स में पहुँच जाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ब्लड की सफाई हो रही है। अब ब्लड एक बार जब सफा हो गया, मतलब अब जब ब्लड प्योर हो गया, अब ये प्योर ब्लड जो है, देखिए ये पल्मोनरी वेन है, अब ये पल्मोनरी वेन उस प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, और यहाँ देखिए ये आ रही है, आते आते यहाँ पर आपका चला आया लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद ये फिर सिकुड़ कर आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये ब्लड जो है, देखिए जो है फिर ये यहाँ से सिकुड़ा, फिर ये ब्लड यहाँ इंटर किया, मतलब जिसको हम लोग एओर्टा कहते हैं, एओर्टा से ब्लड जो है फिर यहाँ से ऐसे होते हुए एओर्टा के जरिए क्या हुआ, अब फिर यहाँ पर ये देखिए फिर ये कैपिलरीज बन जाती है, कैपिलरीज के जरिए जो है पूरा इंसान के फिर बदन में जो है इस तरह से पहुँच जाती है। तो एक सर्कुलेशन इधर दिखाया गया है, माने इंसान के जिस्म से जो इम्प्योर ब्लड हार्ट से होते हुए फेफड़ा में चली गई, एक माने सर्कुलेशन हो गया, फिर ये प्योर ब्लड जो है फेफड़ा से जो है निकलकर हार्ट से होते हुए
हार्ट में इंटर करती है, फिर हार्ट से होते हुए फिर इंसान के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच गई, ये एक सर्कुलेशन हो गया। इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें ये जो पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन जो दिखाया गया है, इससे पहले जो हार्ट का नक्शा में हम जो बता चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और वहाँ पर जो फंक्शन ऑफ हार्ट बताए हैं, सेम चीज़ है। उसको एक बार वहाँ से देख लीजिएगा तो फिर ये तस्वीर डायग्राम आसानी से समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।